मजहर के बारे में तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मजीद और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तुमने तारीफ़ें करके इतना इश्तियाक जो पैदा किया हुआ था, देखना तो था जनाब को, मुलाकात भी करनी थी। मजहर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। तो जनाब अब क्या इसे जहेज में भी साथ लाओगी? हो भी सकता है अगर आपको एतराज ना। अरे भाई मुझे क्या एतराज होगा, वैसे भी आजकल बहुत सारे पैकेजेस चल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। वाह भाई, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप, किसी दिन क्लास लेनी पड़ेगी आपको। बंदा है नाचीज हाजिर आपकी नगरी में, देख लो। अंदर नहीं चलोगे? बस कर दे यार, फिर कभी सही। अच्छा तो ये बता, तू मेरे घर कब आएगी? अब जब तुम याद करोगी। भाई आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लगी। कौन? आपकी दावत और आप दोनों। बेफिक्र रहे, जहेज में पूरी आ रही हूँ मैं। अब चले आप इससे नहीं जीत सकते, ये तो शैतान की खाला है। हाँ हाँ जाओ जाओ, पता है इस वक्त बहुत चुभ रही हूँ मैं तुम्हें, है ना? ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बड़ी बेवफा है तू यार। ये बात तो हमको करनी चाहिए, आप किस सेंस में कह रही हैं? देखो तो सही, रूसा और उसके मंगेतर से मिलने गई है उसकी मंगनी के ट्रीट देने, और हमें कानो कान खबर तक होने नहीं दी। यार अगर हमें बताती तो हम भी मिल लेते। तो अब मिल लो यार, मैं उन दोनों को वैसे ही ले गई थी मजाक मजाक में। ये तो सबको ट्रीट देती हैं सिवाय हमारे। अनीला है ना तुम्हें ट्रीट देने के लिए। ओ बात सुनो, वैसे वो तो बड़ी तारीफें कर रही थी कि उसका मंगेतर बहुत ही अच्छा है, तू बता। यार बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम है, बैंक में जॉब करता है। तेरी तो नियत नहीं फिसली कहीं। कसम से यार, अगर वो अरूसा का मंगेतर ना होता ना तो मेरी नियत तो पिसल ही जाती उस पे। तुझे क्या फर्क पड़ता है, मंगनी तो हुई है। हाँ ये भी है यार, हमें भी मिला ना, क्या सच शिकार किया उसने। भाई ये दरख्वास्त तो तुम अरूसा से करो, ज्यादा बेहतर होगा। तो चलो ना फिर किसी दिन उसके घर उससे मिलने। हाँ हाँ जब तुम कहो। ओहो आज तो जोड़ी साथ आई है। हाँ बिल्कुल, तुझे मिलाकर तो हमारा ट्रायंगल था, पर तूने ही पैर बदल लिया। उससे क्या होता है, मैं तो अब भी तुम लोगों के साथ हूँ। अच्छा चलो अंदर आओ। ओहो आज तो अनीला भी आई है। जी बिल्कुल आंटी, आपने तो हमें बुलाया नहीं, तो फिर हमने सोचा कि हम खुद चले आए मुबारकबाद देने के लिए। खैर मुबारक, तुम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा मैं तो तुम लोगों के लिए भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारी शादियाँ भी अच्छी जगह हो जाएं। इंशाल्लाह आंटी, आप हमारे लिए भी कोई ऐसा लड़का ढूंढ दें जैसे अरूसा के लिए ढूंढा। ज़रूर बेटा। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे अरे आंटी आप कहाँ चली, अब तो हम अरूसा के हाथ से खाएंगे पियेंगे। चलो जो तुम लोगों की मर्जी। अरे मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे तुम लोग मुझसे जेलिस हो रहे हो। मैं तो नहीं हो रही, खैर अलबत्ता इसका भरोसा नहीं है।
काफी तारीफें कर रही थी मैं सर की। अरे इसकी तो खैर है, ये तो मेरी दोस्त है। अच्छा मतलब हम दुश्मन ठहरे? हाँ नहीं मैंने ऐसा भी नहीं कहा। भाई हम तो साफ दिल के हैं, जो अच्छा लगता है कह देते हैं। अब मज़ार अच्छा है तो अच्छा है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ कब मिलवा रही हो? तुम भी दावत कर लो और मिल लो मेरे मंगेतर से। ओह मतलब मुंह दिखाई देनी पड़ेगी? हाँ जाहिर है। बेफिक्र रहो मैं मिलवा दूंगी मज़ार से, वैसे भी उस दिन नंबर ले लिया था मैंने। देख लो नंबर भी ले लिया, बचा के रखना इससे। इस पे तो मुझे पूरा भरोसा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, है ना? हेलो क्या हाल है? बस हर तरफ तुम्हारा ही ख्याल है। क्यों मुझसे मोहब्बत हो गई है क्या? हाँ तभी तो इस वक्त कॉल की मैंने तुम्हें। खैरियत? यार सुबह 1-2 घंटे का प्रोग्राम बनाया है मैंने, तो सुबह मिलना है तुमको मुझसे। यार तुझे तो पता है ना मैं स्कूल जाती हूँ सुबह। तो और भी अच्छी बात है ना, सुबह स्कूल चले जाना, मैं तुम्हें 10 बजे तक पिक कर लूँगी और वापस छुट्टी से पहले ड्रॉप भी कर दूँगी। लेकिन ये तो पता हमें जाना कहाँ है। जहानुम में भी जाऊंगी ना तो तुम मेरे साथ ही होगी, बेफिक्र रहो। चल ठीक है फिर सुबह आ जाना तुम। वैसे एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज क्या? वो कल बताऊंगी जब मिलूंगी तुमसे, अब रात भर सोचती रहो। गुड नाइट। चल जाइए, अल्लाह हाफिज़। इतनी देर लगा दी इसने, कॉल करो ना तुम उसे। यार बैलेंस नहीं है मेरे पास। आइए आइए। अनिला क्या हाल है तुम्हारा? मुझे तो पता था तुम शिबा के साथ जरूर आओगी। तुम्हें तो पता है तुम दोनों के बगैर मुझे मजा ही नहीं आता। और जहाँ शिबा बुलाए वहाँ हम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा ये तो बताओ मेरा सरप्राइज कहाँ है? वो तो तुम्हें गेस्ट हाउस जाकर ही पता चलेगा। तो फिर चलें? हाँ हाँ चलो यार, बहुत लेट हो रहा है, ऑटो भी तो करना है और सफदर और साजिद भी वेट कर रहा है। चलो चलो। उरुसा का कुछ पता चला? अब तक तो कुछ पता नहीं चला। सर वो मेरी भतीजी सुबह स्कूल गई थी, वहाँ से गायब हो गई। क्या उम्र है उसकी? 25 साल उम्र है, स्कूल टीचर है। मैं खुद सुबह उसको स्कूल छोड़ के आया था, अब तक घर नहीं आई। 25 साल बच्ची तो नहीं है क्या? आपने स्कूल से मालूम किया? जी मैंने उनसे मालूम किया था, उनका कहना है कि वो सुबह 10 बजे अपनी किसी सहेली के साथ गई थी। भाई अपनी मर्जी से गई है, आ जाएगी। लेकिन सर उसका तो फोन भी बंद है। फोन भी बंद है? ठीक है आप एक एप्लीकेशन लिख कर दें, हम देख लेते हैं, लेकिन मुमकिन यही है कि वो खुद ही आएगी। ठीक है सर मैं एप्लीकेशन अभी लिख देता हूँ। और हाँ अगर वो घर आ जाए तो हमें इन्फॉर्म लाजमी कीजिएगा। अल्लाह करे वो आ जाए, मैं आपको खुद बताने आऊँगा। अली आप इनको हेड मॉरर के रूम में ले जाएं और एक एप्लीकेशन लिखवा लें। ओके सर। आए सर आप मेरे साथ तशरीफ लाएं।
लाश को सबसे पहले यहाँ किसने देखा? मैंने देखा। जाओ जाके एम्बुलेंस के लिए फोन कर लो ताकि लाश यहाँ से उठाए और उसकी पोस्टमार्टम करें। ठीक है सर। उरुसा का कुछ पता चला? अब तक तो कुछ पता नहीं चला। मैं थाने भी इत्तला कराया हूँ। तो थाने वाले क्या कहते हैं? उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ ही कहीं गई है, खुद ही वापिस आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा वो मजहर को फोन किया आपने? नहीं अब तक तो नहीं किया। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही मिल जाती तो अच्छा था, बात ना फैले। अरे भाई उरुसा का मंगेतर है वो, हो सकता है कि मजहर को कुछ मालूम हो। आप फोन तो मिलाएं। हाँ हाँ करता हूँ। हेलो हेलो। हाँ मजहर, मैं रियाज बोल रहा हूँ। जी जी अंकल फरमाएं। वो उरुसा तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? जी मेरे पास। क्या हुआ अंकल? ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले तुम मुझे बताना। हाँ अंकल मैं भी पता करता हूँ। ठीक है खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा है मजहर? वो भी बहुत परेशान है, अभी आ रहा है, यहीं आ रहा है। देखिए किसका फोन है। हेलो हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर जहांगीर बात कर रहा हूँ। जी कुछ पता चला रुसा का? आप फौरी तौर पे थाने आ जाएं। जी जी खैरियत तो है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। कौन था, किसका फोन था? थाने से फोन था, मुझे बुलाया। मैं होके आता हूँ, तुम घबराओ नहीं। जल्दी आइएगा। या अल्लाह रहम करना, या अल्लाह मेरी बच्ची मिल जाए। 2 सितंबर को अख्तर कॉलोनी के रिहायशी रियाज अहमद ने थाने में दरख्वास्त दी कि इसकी भतीजी 25 साला उरुसा, जो कि मुकामी स्कूल में एक टीचर है, लापता हो गई है। पुलिस का ख्याल था कि उरुसा बच्ची नहीं, खुद ही कहीं दोस्तों के साथ चली गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन इसी दौरान कोरंगी थाने के हदूद से एक नौजवान लड़की की लाश मिली, जो बाद अजां उरुसा साबित हुई। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले उरुसा के स्कूल से मालूमात हासिल करने का फैसला किया। वो सुबह हसबे मामूल 7:30 बजे स्कूल आ गई थी। गई कब थी? तकरीबन 10 का टाइम था। इसका मतलब ये कि आपके स्कूल से कोई भी टीचर किसी भी वक्त जा सकती है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल रूसा बहुत पंक्चुअल टीचर है, और इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। जब कल उसने छुट्टी मांगी तो मैंने इनकार नहीं किया, उसको छुट्टी दे दी। वो किन दोस्तों के साथ गई क्या आप जानती हैं? जी नहीं, देखिए रूसा कोई बच्ची तो है नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। बच्ची नहीं है और बच्चों की तरह गायब हो गई, क्या आपके स्कूल में CCTV कैमरे मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, बाहर गेट पे लगा हुआ है। उनके सारे दिन की मुकम्मल रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। जी हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगी आपको। आप उरुसा के घर वालों को फोन करके थाने बुला लें, हो सकता है कि वो इनके दोस्तों में से किसी को जानते हो।
तो आप मकतूला के मंगेतर हो? जी सर। कितना अरसा हो गया मंगनी को? सर 2 साल हो चुके हैं। फिर तो आपका मिलना जुलना भी रहता होगा उनसे। सर जी हाँ, पर फ़ोन वगैरह पे बातचीत होती रहती थी। आज सुबह से कोई रब्ता नहीं हुआ आपका? जी नहीं सर, दिन के औकात में वो अपने स्कूल में और मैं अपने ऑफिस में होता था, इसलिए अक्सर रब्ता नहीं होता था। फिर तो आप उनके दोस्तों को भी जानते होंगे? जी हाँ बिल्कुल, चंदे को जानता हूँ मैं। हमारे पास मकतूला के उन दोस्तों की CCTV मौजूद है जिनके साथ वो गई थी। कहाँ है? वही दिखाने के लिए तो आप लोगों को मैंने जहमत दी है। गौर से देखिए, हो सकता है कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आ जाए। सर ये तो शिबा है। हाँ कौन शिबा? अरुषा की बहुत अच्छी दोस्त है ये तो। आप इसे जानते हैं? जी हाँ, मैं तो इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इससे मेरी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और? नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं जानता। तो आप शिवा का घर जानते हैं? जी हाँ सर, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आप हमें शिवा के घर ले चले। ठीक है सर। पुलिस के मुताबिक स्कूल से हासिल करदा CCTV फुटेज को मकतूला के घर वालों को दिखाया गया तो मकतूला के मंगेतर मजहर अब्बास ने एक लड़की शिबा को मकतूला की सहेली की हैसियत से पहचान लिया और घर का एड्रेस भी मुहैया कर दिया। लेकिन पुलिस जब शिबा के घर पहुंची तो शिबा घर पे मौजूद नहीं थी। पुलिस ने इसका फोन ट्रेस करना शुरू किया और दूसरी तरफ घर की निगरानी शुरू कर दी। जैसी ही शिबा घर पहुंची तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अरुषा मेरी दोस्त थी, हमारी दोस्ती मिसाली थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं कैसे उसका कत्ल कर सकती हूँ? वैसे नजर रखना, कहीं कोई चुरा ना ले उसे। उसे मुझसे कौन चुराएगा? हो सकता है मैं ही चुरा लूँ उसे। तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? कौन से साथी सर? वही जिनके साथ तूने पहले उरुसा को अगवा किया और फिर बाद में कत्ल कर दिया। कत्ल? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरुषा मेरी दोस्त थी, हमारी दोस्ती मिसाली थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं कैसे उसका कत्ल कर सकती हूँ? स्कूल से तुम ही लेकर गई थी ना उसको। मैंने कब मना किया? हम लोग अक्सर साथ घूमा फिरा करते थे। मैं कल की बात पूछ रहा हूँ, कल की। कल? जी हम मिले थे कल, मैं अरुषा के साथ मार्केट गई थी, उसके बाद 1 घंटे में मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था वहीं। कब से दोस्ती थी तुम्हारी? स्कूल टाइम से। और उसके मंगेतर मजर अब्बास को कब से जानती हो? मैं पहले से नहीं जानती थी उसे, वो अरुषा की मंगनी के बाद दावत की थी मैंने। बीबी, कत्ल वाले दिन तुम उसे अपने साथ लेकर तो गई थी लेकिन उसे वापस नहीं छोड़ा। सच सच बता कि तुमने उसके साथ क्या किया, वरना हमारे पास उगलवाने के और भी रास्ते हैं। वो सर मैं। अरे भाई मुझे क्या इतराज होगा, वैसे भी आजकल बहुत सारे पैकेजेस चल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। वाह, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। भाई आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लगी आपकी दावत और आप दोनों। उसने जब अपनी फ्रेंड के फियोंसी को देखा, वो उसे अच्छा लगा, तो वो ये समझ नहीं पाई है, अपने और पराए में फ़र्क नहीं कर पाई इस तरह से कि अपनी नीड्स को कंट्रोल करती। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। कमाल है, हमने आपको याद रखा, कॉल की और आपने हमें ही नहीं पहचाना। आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है पर क्लियर नहीं हो रही। यानी आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत है। आप हैरत है, इतनी जल्दी आप अपने जहेज को ही भूल गए? ओह अच्छा, तो आप हैं अरुषा की बेस्ट फ्रेंड,
मिस शिबा जी, और आपकी भी बन सकते हो। क्या क्या मतलब? अच्छा, यानी बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझाना पड़ेगा। भैया भरोसा की दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है मेरी भी तो होंगी। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको कॉल की? अरे भैया ऐसी बात नहीं है, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ आ जाए आप भरोसा के साथ जब आपका दिल चाहे। नहीं नहीं मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती हूँ। उरुसा को बाद में बता दीजिएगा। कॉग्निटिव एरर्स वो होते हैं कि हमारी सोच की गलतियाँ, और जब हम डिप्रेस होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होता है, उसके नतीजे में ये सोच की गलतियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। इसके किरदार में जो दो इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एरर्स सामने आए हैं, जल्दबाजी का नतीजा, ठीक है, कि बगैर सोचे समझे किसी भी काम के लिए कदम उठा लेना। दूसरा ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे देखना स्याह और सफ़ेद को, बीच में कोई ग्रे साइड को नहीं देखना। ये दोनों कॉग्निटिव एरर हैं जो शिबा के किरदार में जब उसके बारे में असेस करते हैं तो हमें समझ में आते हैं। शिबा मैं इस तरह से मुलाकात का मतलब नहीं समझा। बताती हूँ इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी अभी तो कुछ ही लम्हे गुजरे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने वाकई में अरुषा को इस मुलाकात के बारे में नहीं बताया? अभी तक तो नहीं बताया। फिलहाल पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मुलाकात करके क्या खास बात करना चाहती हो। नहीं खास बात तो कोई नहीं थी। तो फिर मिलने की वजह? देखो अरुषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इम्प्रेसिव। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी दोस्त मेरी मंगेतर है। हाँ मंगेतर और शौहर ये दोनों होना कोई और बात है, और दोस्ती तो कुछ और चीज़ है। और अगर उसे पता लग गया तो क्या? सिंपल है, हम उसे बता देंगे क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगी। सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, मगर सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वरना नुकसान में रहेंगे। नहीं फायदे में भी रह सकते हैं, मैं तो आपके जेब में भी आ रही हूँ। बस चलो खैर आइसक्रीम को कैसी लगी आइसक्रीम? वो अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हासिल भी कर रहा था मगर उनसे मुतमिन नहीं था। उसकी मंगनी हो चुकी थी, इसके बावजूद उसने अपनी ही मंगेतर की दोस्त से फ्रेंडशिप बढ़ाई, उनसे मिलना जुलना उसका बढ़ता रहा। कुछ हद तक उसमें एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स पाए जाते थे, जिसकी वजह से वो भी अपनी चीज़ों को सही से अपनी लाइफ में हैंडल नहीं कर पा रहा था। एक बात तो बता, तू कहीं गई भी थी क्या? नहीं तो? तो फिर इतने दिन बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? मैं ये देख रही थी कि मंगनी के बाद कहीं तू मुझे भूल तो नहीं गई है। तू भी कोई भूलने की चीज़ है भाई? आपके पास चीज़ ही ऐसे आ गई है, क्या आप हम सबको भूल सकती हैं? हाँ कौन सी चीज़? तुम्हारे मंगेतर मज़हर की बात कर रही हूँ मैं। मेरी सिर्फ मंगनी हुई, कोई पर नहीं लग गए। तो इसीलिए तो कह रही हूँ, अब तो मंगेतर को भी तो टाइम देना पड़ता होगा। कहाँ यार, हमारे तो मंगनी के बाद और भी ज़्यादा पाबंदियाँ लग जाती, सिर्फ कभी कभार फ़ोन पर बात होती है। अच्छा ही है ना, वरना शादी के बाद चार्म खत्म हो जाएगा। वैसे नजर रखना कहीं कोई चुरा ना ले उसे। उसे मुझसे कौन चुराएगा? हो सकता है मैं ही चुरा लूँ उसे। बस बस तुझ पे और मज़र पे मुझे पूरा भरोसा है, तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। अच्छा ये बता खाने में क्या खाएगी? जो तुम खिला दो। जब हम अरुषा के बारे में बात करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि उसने अपनी फ्रेंड पे जो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही थी उससे उसकी शख्सियत की जो पहलू नज़र आते हैं, एक तो वो बहुत ही पैसिव पर्सनालिटी की मालिक थी, ठीक है, दूसरा उसका लो सेल्फ स्टीम था
कि वो अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं था, दूसरों पे ज़्यादा एतमाद करना और उनकी बातों को ज़्यादा सुनती और समझती थी। इस ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से वो अपनी फ्रेंड के साथ इतना करीब रही, लेकिन इसके बावजूद वो कोई बात नहीं समझ पाई कि मेरी दोस्त मेरे साथ क्या करने जा रही है। तो मैं अगर अरूसा और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो तुम किसका करोगे? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मैं मज़हर की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। और मज़हर? नहीं, वो घर वालों की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। इतनी जल्दी नहीं, क्यों, कहीं और चलना है क्या? हाँ। कहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर? घबराओ नहीं, कोई नहीं है घर पे, थोड़ी देर में चले जाना। अच्छा चलो ठीक। मज़हर, हमारी दोस्ती को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मुझ पर अभी भी एतमाद नहीं है? अरे भैया, अगर एतमाद ना होता तो मिलने क्यों आता? अच्छा, तो घर में आते वक्त इतना घबरा क्यों रहे थे? देर हो गई है ना, सुबह ऑफिस भी तो जाना होता है। अच्छा, वो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तो मैं अगर अरूसा और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो तुम किसका करोगे? ये क्या कह रही हो तुम? अरूसा मेरी मंगेतर है और हमारे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि अरूसा तुम्हारी मंगेतर है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं। पर तुमने तो कहा था तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। हाँ कहा था, लेकिन वो तो शुरू की बात थी। पर अब आई लव यू मज़हर, और तुम मुझसे भी तो शादी कर सकते हो। पर अरूसा के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, अरूसा हमारे घर की पसंद है। अच्छा, यानी तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ अरूसा है। खैर, पुलिस के मुताबिक पहले तो मुलजिमा शीबा ने पुलिस को इधर उधर भटकाने की कोशिश की, लेकिन ठोस शवाहिद की मौजूदगी में पुलिस की रिवायती तफ्तीश के आगे ना ठहर सकी। मुलजिमा ने बताया कि वो मकतूला के मंगेतर मज़हर से मोहब्बत करने लगी थी और वो इसे खोना नहीं चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ मज़हर और मकतूला की शादी की तैयारियाँ उरूज पर थीं। लिहाजा मुलजिमा ने अपने दोस्त और कज़न के साथ मिलकर उरूसा को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया। यार, तुम्हें तो पता है मैं मज़हर की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। और मज़हर? वो भी। तो फिर तो उसको बोलना कि वो उससे अपनी मंगनी तोड़ दे। नहीं, वो घर वालों की वजह से ऐसा नहीं कर सकता, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। फिर तूने क्या सोचा? सोचा तो बहुत कुछ है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मज़हर को पता है ये सब? हाँ पता है, मैंने साजिश से कह दिया वो गाड़ी लेकर आ जाएगा और हैदर फार्म बुक करवा लेगा। ओके, सब रेडी है तो फिर मुझे क्या? लेकिन कब? मैं अरूसा से बात करके देखती हूँ, बस एक दो दिन तुम मेरा साथ देना। भाई, मेरा सरप्राइज कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? यहाँ तुम्हें हर कदम पर सरप्राइज ही सरप्राइज मिलेगा।
ये क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो यार तुम लोग? सुना है तुम्हारे और मदर की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, ये तो मैंने सबको बताया था और तुम लोगों को तो ये बात पता है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। शिवा, ये तो क्या बात बोल रही है, तू तो मेरी फ्रेंड है फिर भी। हाँ दोस्त तो मैं हूँ तुम्हारी, लेकिन मजहर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कह रही हूँ मैं, वो भी तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। मैं अभी मजहर से बात करती हूँ। तो क्या हुआ, सहेली है ये तुम्हारी? वैसे भी दोस्तों में ये सब तो चलता है। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम लोग? शिवा क्या हो गया है तुम्हें? मुझे मेरा फोन दो। देख देख अरुषा, तू मेरे और मजहर के दरमियान आ रही है और मुझे ये रुकावट हरगिज़ पसंद नहीं है। शिवा क्या हो गया है तुझे? तू ऐसा कैसे कर सकती? तू तो मेरी दोस्त है ना, फोन दे मुझे, छोड़ो। अब ऊपर जाके करना उसका इंतजार। सही से पकड़ो, मदर से शादी करेगी। शादी करेगी? तुमने तो फौरन ही मार दिया इसको। तो मैं क्या मजाक कर रही थी? अब इसका क्या होगा? यही कोई रास्ता निकालेगा, इसी ने तो गेस्ट हाउस बुक किया। हैदर, तुम ही किसी भरोसे वाले बंदे से बात करो। यहाँ एक मुलाजिम है, उससे मैं टैक्सी मंगवाता हूँ। जल्दी जाओ। जमील भाई, जमील भाई। हाँ क्या हुआ? वो जमील भाई, हमारे साथ लड़की है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आए मेरे साथ अंदर। ये क्या हो गया उनको? अचानक तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई? ज्यादा सवाल मत कर यार, वो तो जरा टैक्सी वाला दोस्त है, उसको फौरन बुलवा ले, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, मैं उसको फोन करता हूँ। जल्दी बुलवा, पैसों की फिक्र नहीं करियो तू। पुलिस ने मुलजिमा शीबा के इकबाले जुर्म के बाद मुलजिमा के कज़न साजिद और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया और साजिद की निशानदही पर डिफेंस के इलाके में वाके एक गेस्ट हाउस में मुलाजिम जमील और टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। अलबत्ता हैदर और शीबा की दोस्त अनीला ताहाल मफरूर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुसलसल कोशिश कर रही है। हैदर के बारे में मालूम हुआ है कि वो सोल्जर बाजार का रिहायशी है और शीबा का पुराना आशना है। मुलजिमा का कहना है कि मकतूला के कत्ल की सारी प्लानिंग इसके मंगेतर मजहर अब्बास ने की थी और वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे, जबकि मकतूला के मंगेतर का कहना है कि इस पर यह झूठा इल्ज़ाम है। अगर वो शरीक होता तो CCTV फुटेज में शीबा की निशानदेही क्यों करता, जबकि शीबा के घर की निशानदेही भी इसी ने की थी। गो के अभी तक मजहर अब्बास भी पुलिस की तहवील में है, लेकिन पुलिस अभी तक इसके मुलव्वस होने का फैसला नहीं कर सकी। तफ्तीश जारी है, जल्द ही कुछ मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को भी है। मैं क्या जानूं दोस्ती और बंदगी क्या चीज़ है, गर मोहब्बत ना मिली तो ज़िंदगी क्या चीज़ है। सही समझ ना पाया सारी उम्र ये माजरा, यार कहते हैं किसे और यार मार क्या चीज़।